सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 91 पर एक डीसीएम ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में भयंकर आग लग गई। आग लगते ही डीसीएम ट्रक चालक व परिचालक ने डीसीएम ट्रक से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे प्रेमपुर के पास छिबरामऊ से प्रेमपुर की तरफ एक डीसीएम ट्रक जा रहा था, तभी अचानक डीसीएम ट्रक के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होते ही उसमें धुआं निकलने लगा। धुआं निकलते ही ट्रक में चालक व परिचालक ने तत्काल ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। जरा देर बाद ट्रक में एक भयंकर धमाका हुआ और ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में फर लदी हुई थी, जिस कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते डीसीएम ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। भयंकर आग लगते ही स्थानीय दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग ने तत्काल मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डीसीएम ट्रक में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन डीसीएम ट्रक तब तक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। हादसे में गनीमत यह रही कि चालक व परिचालक सहित किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।